नमस्कार, स्वयं से साक्षात्कार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कड़ी में देखा कालातीत में कालाधीन अहंकार। ये कालाधीन अहंकार कालातीत में की अवस्था में जो मैं समय के अतीत है, काल के अतीत है, और जो काल के अधीन अहंकार है वो कैसे काल के अतीत मैं पहुंच सकता है। आज हम मैं का एक दूसरा रूप देखते हैं जो है कारणातीत कारण, नित्य वर्तमान में कारणातीत कारण। जो भी कार्य, जो भी इफेक्ट हम जगत में देखते हैं उन सब का एक कॉज होता है, कार्यों का एक कारण होता है। ये कारण का एक फिर कारण होता है, इसका मतलब इट बिकम्स एक एड इन्फिनिटम, ये चलता रहता है, ऐसा नहीं है। जो पक्का मैं की अवस्था है उसको कारणातीत कारण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद और कोई कारण नहीं है, वहां जाके सारे कारण समाप्त हो जाते हैं। कॉजलेस कॉज, नित्य वर्तमान, इटर्नली प्रेजेंट। तो ये कारणातीत कारण मैं, नित्य वर्तमान मैं, ये क्या है? आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर से। आई इज द कॉज ऑफ ऑल other causes. I is the effect of all causes. Then I remains always the same. Under all circumstances, under all conditions, all limitations. इसीलिए the glory of I is infinite because it is one without a second. Your I is always infinite. It is ever free from all merits and demerits. It is ever free from all limitations and conditions. ये बाहर में प्रकृति रूप नाम का प्रकाश करते हैं, अंदर में स्वभाव उसको व्यवहार करते हैं, और केंद्र में स्वबोध उसको विटनेस करते हैं। ये तीनों भाग, प्रकृति बाहर में और अंदर में हमारी स्वभाव, और केंद्र में हमारी स्वबोध, अपना बोध। तो अपना बोध को तीन प्रकार प्रकाश होता है। एक होता है अखंड पूर्ण, एक होता है मिश्रण, हर रूप नाम भाव को एकाट्टा रूप, और एक होता है अलग अलग रूप, पृथक पृथक रूप। खाली इंडिकेशन लगाया आज थोड़ा शब्द लगा के, लेकिन उसको बाद इसको और एक चैप्टर भी आ जाएगा जिसमें इसको व्यवहार कैसे होना करना। आप पैसा कमा के घर में ले आया, अभी पैसा को खर्चा कैसे करना? सामान बाजार से खरीद करके लिया, अभी खाना क्या पकाना? अरे खाना पकाने से नहीं होगा, उसको खाना खाने पड़ेगा, खाने से नहीं होगा, उसको डाइजेस्ट करने पड़ेगा। तो कितना स्टेज रह गया। लेकिन यही है प्रेम का खेल, हमारी कोई मतलब नहीं है। आई एम नो रियली कोई इंटेंशन except playing with I. That is oneness for the oneness, not for manyness. ए इधर में जितना भी है I, सब एक I के ही भी परिचय है। अलग अलग तो बाहर इंडियो से हम देखता है, हम आग बंद करने से कहाँ है रूप, कहाँ है मन में, और मन में मन का दर्जा बंद करने से क्या होता है, उसको कुछ भी कारण रहा जाता है, वो कारण से फिर भी कार्य का रूप आ जाते हैं। लेकिन कारण का ऊपर में चला जाएगा तो अब कारण कहाँ है? कारण का कारण जो है वो मैं खुद है। एवरीथिंग इन मी, ऑफ मी, फ्रॉम मी, फॉर मी, बाय मी, विथ मी, टू मी, ऑन मी एंड बियॉन्ड, बियॉन्ड बियॉन्ड आई रियलिटी एग्जिस्ट एज इटर्नल वन आई आई आई। प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर बोले, मैं सब कारणों का कारण, सब कारणों का कार्य, तो फिर मैं हमेशा एक ही समान रहा, हर परिस्थितियों में, हर अवस्थाओं में, बिना किसी सीमा बंधन के। सब कारणों का कारण और सब कारणों का कार्य, यानी जितने भी जगत के कॉजेज हैं उनका जो कार्य है, और जो कारणों का कारण यानी अल्टीमेटली कारणातीत कारण है, वो भी मैं ही है, मैं सब है। ये हम एक कड़ी में आलोचना कर चुके हैं। आगे कहते हैं, इसलिए मैं की महिमा अपरम पार असीम,
क्योंकि मैं एक एवं अद्वितीय है, वह अच्छे या बुरे से चिर मुक्त है, किसी किस्म की डुअलिटी में, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स में, अच्छा बुरा, दिन रात, राइट रॉन्ग, ये वो, दिस एंड दैट, ये बेस्ट वे ऑफ सेइंग पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स क्या है, दिस एंड दैट, कोई भी चीज दिस में बिठा दो, कोई भी चीज दैट में बिठा दो, वही हो गया पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स, हायर लोअर इत्यादि. इट इज एवर फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस एंड कंडीशंस, किसी किस्म का कोई विकार उसके अंदर नहीं होता है, किसी किस्म की कोई बाधा, किसी किस्म का कोई कारण उसके अंदर बनता नहीं है, वो एज इट इज स्पॉन्टेनियसली एक बहते हुए झरने के माफिक बहता रहता है, चलता रहता है, अपने आप को प्रकाशित करता रहता है. बाहरी जगत में मैं रूप नाम भाव को प्रकाश करता है, बाहरी जगत में रूप है, रूप के नाम है, नाम के एक भाव है, एक आइडिया है, उसको प्रकाश करता है. अंदर में यानी स्वभाव में वे व्यवहार होता है, यानी व्यवहार होता हुआ देखता है. ये जो रूप नाम भाव हैं बाहरी जगत के, आउटर वर्ल्ड के, नेचर के, उसको व्यवहार करता है अंदर का स्वभाव. तो स्वभाव की स्थिति में मैं उसका व्यवहार होता हुआ देखता है, यूज होता हुआ देखता है. कि जब हम एक कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, कोई खाना पकाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तो बाहरी जगत का जो ग्रॉस फॉर्म है, जब हम कोई ध्वनि, भजन, गाना सुनते हैं, इन सब का जो यूज हो रहा है, यूज का अर्थ है इन सब के व्यवहार से एक अनुभूति पैदा हो रही है हमारे स्वभाव के अंदर, अर्थात अपने मन के अंदर ये अनुभूति पैदा होते हुए देख रहा है. पक्का मैं केवल साक्षी दृष्टा है, इसलिए वह केवल देखते हैं, विटनेस करते हैं. आगे कह रहे हैं, केंद्र में स्वबोध उस व्यवहार को विटनेस करता है, साक्षी रूप से विराजमान होकर, साक्षी रूप से विराजमान होकर सेंट्रल नेचर में स्वबोध यानी स्वयं का बोध उस सब का विटनेस करता है, उन सब को देखता रहता है. कारणातीत कारण रूपी नित्य वर्तमान मैं, बाहर प्रकृति रूप से, अंदर में स्वभाव रूप से और केंद्र में स्वबोध रूप से प्रकाशित होता है. ये कारणातीत कारण मैं आगे जाके गुण युक्त होकर दो खेला खेल रहा है, बाहर का खेला, स्वभाव का खेला, फिर उसके बाद गुण मुक्त होकर स्वबोध का खेल खेलता है सेंट्रल नेचर में. आगे कहते हैं, एक है अखंड पूर्ण, दूसरा है समस्त नाम रूप भाव का एकत्रित मिश्रित अवस्था, और तीसरा है पृथक पृथक रूप नाम इत्यादि जो हमें बाहरी जगत में दिखता है. केंद्र का मैं जो है, स्वबोध का मैं जो है, उसके बारे में कह रहे हैं अखंड है, पूर्ण है, इसमें किसी किस्म का मिश्रण नहीं है. समथिंग विच इज अ होल, विच इज कंप्लीट, उसमें मिश्रण नहीं है. अब जैसे ही हम आगे बढ़े, स्वभाव के क्षेत्र में आए, तो कह रहे हैं समस्त रूप नाम भाव की एकत्रित मिश्रित अवस्था है. एकत्रित अवस्था स्वबोध भी है लेकिन मिश्रित नहीं है. यहां पर यह एकत्रित अवस्था है और मिश्रण है. स्वबोध में जाके वो होमोजीनियस स्ट्रक्चर है, यहां स्ट्रक्चर हेट्रोजीनियस है, कोई ज्यादा कोई कम इत्यादि. रूप नाम भाव, इस रूप नाम भाव के अंदर जो गुणों का खेल चलता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का, ये सारे गुणों के खेल में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन की वजह से इतना मिश्रण होता है, जिस मिश्रित अवस्था की वजह से हमारा स्वभाव प्रभावित हो जाता है. तो स्वभाव में ये मिश्रित अवस्था है और बाहर जो है वो पृथक पृथक नाम रूप इत्यादि बाहरी जगत में है, वो तो बिल्कुल ही पृथक पृथक है, उसमें तो किसी किस्म की एकत्रित अवस्था का मतलब ही नहीं है, सब अलग अलग प्रतीत होता है, दिखता है. आगे कहते हैं, अब प्रश्न जग सकता है कि इस नित्य वर्तमान मैं का व्यवहार कैसे होगा जीवन में. पैसा कमाया, अब खर्च कैसे करें, बाजार से सामान लाएं, अभी पकाएं तो कैसे या क्या, पकाने से अंत में खाना पड़ेगा,
खाने से भी अंत नहीं, पचाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कितने स्टेजेस आ जाते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को जब व्यवहारिक जगत में लाया जाता है, विज्ञान रूप से व्यवहार किया जाता है, तो ये जो स्टेजेस हैं, इन सारे स्टेजेस में जाके प्रश्न जग सकता है, यही बात कर रहे हैं। लेकिन मैं का है केवल प्रेम का खेल, मेरा कोई उद्देश्य नहीं, अपने बारे में कह रहे हैं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं मैं के साथ खेलने के सिवाय, वननेस फॉर वननेस नॉट फॉर मेनीनेस, मैं के साथ खेल और मैं मेरा के साथ खेल। तो जगत व्यापी खेल होता है मैं का मेरा, और प्रज्ञान पुरुष का खेल है मैं का मैं के साथ, वननेस का वननेस के साथ, और जैसे ही बाहर निकले वननेस का मेनीनेस के साथ का खेल शुरू हो जाता है। जितने मैं हैं यहां सब एक मैं के ही परिचय हैं। आंख से देखें तो अलग अलग प्रतीत होता है, आंख बंद कर लें तो रूप कहां, आगे चलें और अंदर मन का दरवाजा बंद करें तो सब कुछ कहां, कारण की स्थिति में रह जाता है। लेकिन मन का दरवाजा बंद करने से भी पूरा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये कार्य फिर वापस आ जाता है। जैसे ही गहरी नींद से जगते हैं मन का दरवाजा उस वक्त बंद है, इसीलिए जगत का एहसास नहीं है गहरी नींद में, लेकिन जैसे ही जाग खुली वापस सारे कार्य आ गए, वापस सारी चीज सामने आ गई, तो इसी से पूरा काम नहीं हो रहा है। तो कहते हैं वहां फिर से कार्य आ जाता है, लेकिन कारणातीत कारण में जाएं तो मैं खुद आ गया, कारणातीत कारण मैं आ गया, जो नित्य वर्तमान है। वो गहरी नींद में आना जाना ये सब कोई सिस्टम नहीं है, मैं जो है वो गहरी नींद का भी साक्षी है, स्वप्नावस्था का भी साक्षी है, स्वप्न जो देखते हैं उसका भी साक्षी है, और जो जागृत अवस्था में जो कुछ कर रहे हैं ये मेरा रूप से व्यवहार हो रहा है उसका भी साक्षी है। मैं के बगैर ये तीनों नहीं है, लेकिन मैं ये तीनों के बगैर है। तो ये जो कारणातीत कारण का मैं है, अंत में कहते हैं एवरीथिंग इन ऑफ फ्रॉम फॉर बाई विथ टू ऑन एंड बियॉन्ड बियॉन्ड, यही है आई रियलिटी, आई 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 में लाके हर चीज समाप्त कर देते हैं। आई एक का भी प्रतीक है, आप अगर बाहरी तौर पे देखिए तो एक का भी प्रतीक ये आई है, इसी आई में लाके समाप्त कर दिया। हमारा भी समय समाप्त हो गया, आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है।